आप देख रहे हैं वेस्ट यूपी न्यूज। तो आज बात करते हैं सोशल मीडिया के सबसे मशहूर और अपनी आपत्तिजनक भाषा के लिए पहचाने जाने वाले सांसद आजम खान। समाजवादी पार्टी के सांसद आजम खान ने बीते दिनों पहले अध्यक्ष की कुर्सी पर बैठी रमा देवी पर आपत्तिजनक टिप्पणी की थी। पहले तो बीजेपी के सांसदों ने हंगामा किया, लेकिन अब दूसरे दिन महिला सांसदों ने भी मोर्चा खोल दिया। तो आइए आपको सुनाते हैं आजम की अश्लील शायरी। 10 मिनट टाइम बर्बाद किया। तार साथ चले गए हैं, कुछ अच्छे माननीय अध्यक्ष महोदय मुख्तार साहब चले गए हैं, कुछ अच्छे शेर सुनाए थे। मैं चाहूँगा कि कथा वो सुने, जहाँ भी हो तू इधर उधर की ना बात कर, ये बता के काफिला क्यों लुटा। तू इधर उधर की ना बात कर, ये बता के काफिला क्यों लुटा। उधर मत देखिए मुझे, आप इधर बात कीजिए। मैं तो आपको इतना देखूं कि आप मुझसे कहें कि नज़र हटा लो। जी नहीं नहीं नहीं, ये नज़र हटाना नहीं, मैं मेरे तरफ करके बात कीजिए। मुझे तो आप यूं भी इतनी अच्छी लगती हैं, इतनी प्यारी लगती हैं कि मैं आपकी आंखों में आंखें डाले रहूं, ये मेरा मन करता है। मैं छोटी मैं तो कभी ना नज़र हटाऊं आपसे। जी आप इतनी अच्छी जगह बैठी हैं। धन्यवाद। तो मामला यहाँ तक पहुँचा, संसद के लोअर हाउस यानी लोकसभा में समाजवादी पार्टी का एक सांसद जो बहुत चर्चा में रहा, आजम खान, जिन्होंने कुछ दिन पहले अध्यक्ष की कुर्सी पर बैठी रमा देवी पर आपत्तिजनक टिप्पणी की, जिस वजह से सांसद की कार्रवाई तक से उसे हटा दिया गया। मामला यहाँ तक पहुँच गया कि मशहूर सांसद आजम खान को माफी तक मांगनी पड़ गई। आप रमा देवी जी, आप मैं बगल में बैठा हूं, जो उनको कहना था उन्होंने अपनी किसी आप एक बार आजम खान जी, आजम खान जी बोल दें, आप आजम खान जी आप बोल दें, एक मिनट। हाँ संसदीय कार्य मंत्री, जो कुछ भी हुआ है, जो चर्चा हुआ है, हम सब बाद में भी जो चर्चा हुआ हम सब सुने हुए हैं। मैं सिर्फ ये अपील करता हूँ, जो महिला पूरा महिला सदस्यों का और पूरा महिला समाज का अपमान हुआ है, ठीक शब्द से उन्होंने क्षमा मांगना चाहिए और ये खत्म करना चाहिए। पहले उनको क्षमा मांगना चाहिए। एक मिनट रमा देवी जी, आप आपस में चर्चा मत करो। कि उन्होंने कहा है, क्योंकि हो सकता है माननीय सदस्य ने कान में नहीं लगाए। अब देखिए स्पीकर साहब भाषा देखिए, और मैं मंत्री जी से कहूंगा जो उन्नाव में घटना हुई वो भी तो सोचिए। अरे माननीय सदस्य प्लीज, एक बेटी के साथ हुई है, एक बेटी के साथ क्या हुआ है माननीय सदस्य प्लीज, प्लीज देखिए प्लीज स्पीकर सर, फिर भाषा गलत हो गई। प्लीज अगर एक महिला की गलत भाषा होगी तो क्या होगा इस देश का। प्लीज प्लीज, इसीलिए ये बीजेपी के लोग कहते हैं जय श्री राम, ये सीताराम नहीं कहते, प्लीज ये प्लीज, कोई नोटेड नहीं हो। माननीय सदस्य आजम खान जी, एक बार आप इसे दोबारा रख दें। हाँ एक बार क्षमा, क्या क्षमा कह बड़ा जी लोग, हाँ आप कह देंगे। हाँ बोले, हाँ नहीं कह चुके हैं। एक धन्यवाद, मैंने पहले भी कहा था हमारी बहन समान है, बात को एक बार कहें या 1000 बार कहें बात वही रहेगी। मैंने कहा कि चेयर के लिए कोई भावना ऐसी हो जो एक सदस्य की गलत हो, संभव नहीं है मेरे लिए। मैंने कहा था कि जाहिर है अगर फिर भी कोई एहसास है तो मैं उसकी क्षमा चाहता हूँ। ठीक है। खबरों में बने रहने के लिए सब्सक्राइब करें वेस्ट यूपी न्यूज़, और वीडियो पसंद आने पर लाइक और शेयर करना ना भूलें।